आज उस संकल्प से वो अपना मुंह फेर रहे हैं, उनके प्रति उनकी और कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनके देखा गया है कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े दरोगा, बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी भी खुद ही शराब पी रहे हैं, तो इसलिए उस सवाल पर उनकी बोलती बंद है। शिक्षा की समस्या, कृषि की समस्या और गरीबों को जो राहत और पेंशन देने की समस्या, इन तमाम समस्याओं पर माननीय मुख्यमंत्री गलत तथ्य पेश कर रहे थे। इसलिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि भाई देखिए, शिक्षा पर आज हमारे संयुक्त कार्य स्थगन प्रस्ताव था, शिक्षा के सवाल पर आप स्थिति क्लियर कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री गलत तथ्य पेश करते हुए शिक्षा की बखानी कर रहे थे, शिक्षा की तरक्की की बात कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि इस वक्त जो लाखों लाख शिक्षक सड़क पर है, तो बच्चों को पढ़ाएंगे कौन? कौन उनका जो आज भविष्य अंधकार में है? और तमाम जो शिक्षा के सवाल पर हर सत्र में जो इनका प्रश्न पत्र लीक होते हैं, तो शिक्षा का सवाल बर्बाद हो गया, शिक्षा चौपट हो गई है। और शिक्षा को मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री आपने कोई तथ्य पेश नहीं किया है, और यूनिवर्सिटी नुमा बिल्डिंग तो बन रही है लेकिन शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है, और बहाल शिक्षकों को भी इन्होंने सड़क पर छोड़ दिया, और इस तरह से आने वाला दिन में बच्चों का, लाखों बच्चों का, छात्रों का, छात्राओं का जो भविष्य अंधकार में हो गया है, इसके लिए हम लोगों ने चिंता जताई, लेकिन हमारी चिंता पर माननीय मुख्यमंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया। साथ साथ हम लोगों ने कहा कि आपके डीजीपी का बयान है कि आपका शराबबंदी बिल्कुल फ्लॉप है और दरोगा के जरिए शराब बेची जा रही है, इस पर भी आप कुछ नहीं कहे। 1,29,000 गरीबों को, दलितों को, मजलूमों को आपने जेल में डाल के रखा है, लेकिन आज तक किसी भी बड़े शराब माफिया को आपने जेल के अंदर नहीं डाला है, कोई कार्रवाई नहीं की है। शराबबंदी पूरा पूरी फ्लॉप है आपका, और बिल्कुल धड़ल्ले से शराब बिक रही है। हम लोगों ने, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच जाएंगे। पूर्ण शराबबंदी का जो हम लोगों ने संकल्प लिया था, और वो संकल्प हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ही दिलवाया था, आज उस संकल्प से वो अपना मुंह फेर रहे हैं, उनके प्रति उनकी और कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनके देखा गया है कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े दरोगा, बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी भी खुद ही शराब पी रहे हैं, तो इसलिए उस सवाल पर उनकी बोलती बंद है। साथ साथ गरीबों का जो मेहनत का, आवाम का जो पेंशन का सवाल है, जितने लोग मेहनत करते हैं खेत में, खलिहान में, ठेला चलाते हुए मजदूरी करते हैं, इनका जो वही बाबा आदम के जमाने से मात्र 400 रुपया प्रति माह पेंशन है, ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। इस पेंशन की राशि को बढ़ाना होगा, और गरीबों को भूमि देने के नाम पर जो 60,000 रुपया देने की बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भी बिल्कुल लेकिन नगण्य पैसा है। आज 5 डिसमिल जमीन 5 लाख रुपया के बगैर खरीदा नहीं जा सकता है, 5 लाख रुपया भी कम है। इसलिए लोक लुभावना बयान देकर जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसको लेकर हम लोगों ने बहिष्कार किया, और हमारे बहिष्कार को आपके माध्यम से जनता तक पहुँचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।